हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम लेकर आए हैं जलवायु अध्याय का ये दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर जलवायु अध्याय का एक सामान्य परिचय था, जिसमें आपको बताया गया था कि भारत की जलवायु किस तरह की है, मानसूनी जलवायु है। और ये भी बताया था कि भारत अकेले की जलवायु मानसूनी जलवायु नहीं है, बल्कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण और दक्षिण पूर्व पूरी की पूरी इतने क्षेत्र की जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु कहलाती है। फिर हमारे दिमाग में सवाल आया था कि अगर भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश मिजोरम तक भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु होना चाहिए, और मानसून के जो प्रभाव होते हैं ये पूरे भारत में मुख्य भूमि पर, द्वीपों पर एक जैसा होना चाहिए। मतलब जैसा कि 1 जून को मालाबार तट पर मानसूनी हवाएं आके एकदम से वर्षा शुरू करा देती हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये पानी मालाबार तट से लेकर होते होते बंबई वगैरह सब जगह पे गिरना चाहिए और धुआंधार बारिश होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। पहला होता है स्थलाकृति, दूसरा होता है अपवाह, और तीसरा होता है फिर वायुमंडलीय अवस्था। तो वायुमंडलीय अवस्था, अपवाह और स्थलाकृतियों से मिलकर ही पूरी जलवायु का सेटअप तैयार होता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व भी 6 हैं, थोड़े बहुत नहीं हैं। ये 6 तत्वों को हमको इस अध्याय में पढ़ना है कि आखिर ये कौन कौन से तत्व हैं जिनकी वजह से, हमने पिछली बार देखा द्रास में ऋणात्मक में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, तो तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री रह जाता है, राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, मेघालय में पानी देखो तो 400 सेंटीमीटर, मासिनराम और चेरापूंजी में संसार की सबसे ज़्यादा वर्षा हो जाती है, उधर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में सूखे पड़े रहते हैं, जबकि मानसून वाली पनिहरिनबाई अपने मटके में समुद्रों से पानी भर के पूरे देश का चक्कर लगाती है, और उस दौरान फिर भी कोरोमंडल तट सूखा रह जाता है। इन सब बातों को हम इस जलवायु वाले अध्याय की वीडियोस के माध्यम से समझेंगे। आज के इस वीडियो में चलिए हम शुरू करते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। चलिए, जलवायवीय नियंत्रण, इसके अंतर्गत हमारा ये 2nd चैप्टर है, जैसा कि आपको बताया हमने अभी। और जिन लोगों ने भी ई क्लासेस बाय मनीष सर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायवीय नियंत्रण, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख 6 कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला कारक हम देखते हैं कि क्या है, उसमें हम देखते हैं अक्षांश। सबसे पहला कारक जलवायु को नियंत्रण करने वाला कौन सा है, अक्षांश। इसके बाद दूसरा कारक है ऊंचाई, जिसको हम तुंगता भी बोलते हैं, ऊंचाई। और इसके बाद तीसरा कारक क्या है हम देखते हैं, तीसरा कारक है वायुदाब एवं पवन तंत्र। हम इनको सबको एक एक करके सबको समझेंगे कि ये जलवायु पर कैसे असर डालते हैं। इसके बाद चौथा कारक है समुद्र से दूरी। देखिए, समुद्र के पास में टेम्परेचर कम था, दिन और रात का बराबर था, लेकिन जैसे जैसे समुद्र से दूर होते गए वर्षा में, तापमान में, हर चीज़ में काफ़ी अंतर आया। इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 4 कारक आपने देख लिए, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी। अब इसका 5वां कारक हम देखते हैं, 5वां कारक है महासागरीय धाराएं। और अंतिम कारक है इसका, वह है उच्चावच लक्षण। तो ये 6 बिंदु आपको दिख गए, 6 कारक आपको दिख गए। पहला है अक्षांश, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा है वायुदाब एवं पवन तंत्र, चौथा है समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। चलिए अब हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि अक्षांश क्या है, तुंगता क्या है, वायुदाब क्या है और ये तमाम बाकी की 3 चीज़ें और क्या हैं। चलिए अक्षांश, अक्षांश के बारे में हम आपको बता दें, पृथ्वी की गोलाई, आप सबको पता है कि पृथ्वी कैसी है, गोल है और घूर्णन करने के कारण और अपनी धुरी पर ये घूमती भी है। काफ़ी लोगों को पता होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को हमारे नहीं भी पता हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे कि पृथ्वी कैसे घूमती है, सूर्य के चक्कर कैसे लगाती है। चलिए, अच्छा पहले उसी को समझ लेते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए, ये सूर्य दिख रहा है आपको, ये बीच में पीला वाला, सूर्य के चारों तरफ ये नीला ग्रह है हमारे, ये नीली पृथ्वी घूम भी रही, चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है और अपनी धुरी पर घूम भी रही है। देखिए, ये वाला भाग जो सामने था ये पीछे चला गया, क्यों, क्योंकि ये अपनी धुरी पर घूर्णन भी कर रही है। चलिए हम इसको केवल पृथ्वी के संदर्भ में देखते हैं, अच्छापन है ना। तो ये सूर्य है,
ये दिख रहा है आपको पीले रंग का, और ये नीले रंग की पृथ्वी है। ये देखिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा इस तरह से करती है, ये स्पीड से स्टार्ट हुई, ये चलना शुरू कर दी, ये गई और ये इस तरह से वापस आकर एक चक्कर पूरा लगा लेती है एक साल में। और अपनी धुरी पर कैसे घूमती है इसको चलिए हम आगे देखते हैं, अपनी धुरी पर यह कैसे घूमती है इसको हम आगे देखते हैं। इस तरह से ये देखिए अपनी धुरी पर इस तरह घूमती है, ये अपनी जगह पर ये घूमती भी रहती है। और इसको जो प्राप्त ऊर्जा है वो कहाँ से मिल रही है, सूर्य से मिल रही है। ये सूर्य इतना तप रहा है, इस सूर्य से इसको ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से इसमें तपन होती है, ऊर्जा मिलती है, ताप मिलता है। और ये ताप की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। अब हमको इसको समझना है, आपने इसको समझ लिया कि पृथ्वी गोल है, सूर्य के चक्कर कैसे काटती है ये वीडियो में देख लिया, और ये भी जान लिया कि इस तरह से घूर्णन कर रही, घूर्णन मतलब स्पिन कर रही है, अपनी जगह पर भी घूम रही है खड़े होकर, ये चीज़ समझ ली। अब चलिए हम देखते हैं कि इससे सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ये भी आपने समझ लिया। अब ये सौर ऊर्जा पृथ्वी के क्या पूरे भाग पर एक जैसी मिलती है, चलिए हम इसको समझते हैं। ये पृथ्वी देखिए, यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर हमने काल्पनिक रूप से एक ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींच ली हैं। आपको बता दें हम यहाँ पर ये जो है ये खड़ी रेखाएं जो दिख रही हैं आपको, ये वाली, इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। जितनी भी ये खड़ी रेखाएं हैं इनको देशांतर बोलते हैं। और ये जो आपको आड़ी रेखाएं दिख रही हैं, ये इन आड़ी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर हम अलग से बाद में एक संक्षिप्त वीडियो बना देंगे, अभी केवल आपको इतना समझना काफ़ी है कि पृथ्वी के ग्लोब पर, जो आपके स्कूल में जो पृथ्वी का ग्लोब रखा हुआ है ना गोल गोल, उस पर काल्पनिक रूप से जो खड़ी लाइन खींची गई हैं उनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं, और आड़ी लाइनों को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो आज हम इन्हीं अक्षांश रेखाओं का क्या प्रभाव होता है सौर के ताप पर, सौर की ऊर्जा के अनुसार अक्षांशों पर क्या प्रभाव होता है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये भारत है, ठीक है ना। इसके ऊपर हमने काल्पनिक अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये खींच ली हैं। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो हम पृथ्वी को हटा देते हैं, ये पृथ्वी को हटा दिया। अब आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्लियर हो गई। तो जो सबसे बीच की पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से जो अक्षांश रेखा जाती है उसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसको हमने आकार और स्थिति वाले अध्याय में समझ चुके हैं कि यह जो विषुवत रेखा है यह पूरे ग्लोब को, पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। जो बीच से जो भूमध्य रेखा जाती है, भूमि के मध्य से जो रेखा जाती है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। तो ये हो गई विषुवत रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है। इसके बाद ये विषुवत रेखा जो है ये शून्य अंश अक्षांश कहलाती है। कितना कहलाती है? शून्य अंश अक्षांश। इसके बाद दूसरी है ये कर्क रेखा। कर्क रेखा है 23.5 अंश अक्षांश, मतलब उत्तर की दिशा में। हमेशा कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में होती है और यह 23.5 अंश अक्षांश होती है। कर्क रेखा अक्षांश रेखा होती है, देशांतर रेखा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये आड़ी रेखा है। इसके बाद हम बात करते हैं मकर रेखा की। तो मकर रेखा विषुवत रेखा के दक्षिण में, मतलब नीचे की तरफ होती है, और ये दक्षिण में 23.5 अंश होती है। अब हम देखते हैं कि इन अक्षांशों पर सौर ऊर्जा की मात्रा अलग अलग कैसे होती है। तो ये देखिए सूर्य, ये हमारे सूरज भाई साहब हैं जो पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं। इसकी किरण, सूरज की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है। क्यों? हम कहते भी हैं कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र सूरज का घर है। तो यहाँ पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और जब सूरज की किरणें सीधी यहाँ पर पड़ेंगी तो यहाँ पर भैया बताओ ठंड पड़ेगी कि गर्मी पड़ेगी? यहाँ रजाई ओढ़ के सोओगे या पूरे कपड़े हटा के सोना पड़ेगा, हमको रहना पड़ेगा यहाँ पे? डेफिनेटली जब सूरज की किरण सीधी पड़ेगी तो हमारे तो 12 बज जाएंगे ना, तो यहाँ पर गर्मी बहुत तेज पड़ती है। अब इसके बाद देखो, सूरज की किरण उत्तरी ध्रुव पर तिरछी पड़ रही है। तिरछी पड़ रही है मतलब जब किरणें तिरछी पड़ेंगी तो वहाँ पर उसका सूरज के ताप का असर कम होगा। यहाँ पर अक्षांश जैसे जैसे अलग होते जाते हैं, यहाँ पर 23.5 अंश, 65.5 अंश और 90 अंश अक्षांश उत्तर, उत्तर में 90 अंश अक्षांश पर पहुँचते हैं या फिर दक्षिण में पहुँचते हैं, यहाँ पर शीतल स्थिति होती, यहाँ पर तापमान कम होता है। जबकि ये जो सर्कल दिख रहा है ये सूर्य की आभासी गति होती है, या तो सूरज उत्तर की तरफ जाएगा, कर्क रेखा की तरफ ऊपर जाता है तो कहते हैं ना सूरज उत्तरायण हो गया, फिर जब नीचे आता है तो बोलते हैं सूरज दक्षिणायन हो गया। सूरज जब कर्क रेखा पर आए तो सूरज उत्तरायण, और सूरज जब मकर रेखा पर आने लगे तो उसको बोलते हैं दक्षिणायन होना, ठीक है ना। अब ये देखिए सूरज भाई साहब कहाँ हो गए,
उत्तरायण हो गए। जब ये उत्तरायण हो गए, कर्क रेखा पर आ गए, तो सूरज की किरण कर्क रेखा पर पड़ेगी अब सीधी, और कर्क रेखा पर पड़ेगी, और भारत भी कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा पर ही स्थित है। आधा यहाँ पर है, आधा हिस्सा ऊपर है। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब कर्क रेखा के कारण सूरज की किरणें आधे भारत पर बहुत तेज पड़ती होंगी, आधे पे कम तेज पड़ती होंगी, तो तापमान का अंतर इससे भी आ जाता है। अब सूरज भाई साहब दक्षिणायन हो गए, दक्षिणायन हो गए तो इनकी सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी? मकर रेखा पर पड़ेंगी। जब मकर रेखा पर किरणें पड़ेंगी तब क्या होगा? कर्क रेखा पर जो देश स्थित होंगे, जैसे भारत है, यहाँ पर ठंड पड़ने लगेगी, तापमान कम हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना कि जलवायु का असर अक्षांशों के आधार पर पड़ता है। यदि अक्षांशों के आधार पर कैसे? अक्षांशों पर सूर्य की ऊर्जा कैसे मिल रही है उसके आधार पर पड़ता है। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। मतलब ये विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा वाला, भूमध्य रेखा वाला। अब यहाँ से जब हम विषुवत वृत्त से ऊपर ध्रुवों की ओर चलते हैं, ये यहाँ से हम जब ऊपर ध्रुवों की ओर चलेंगे तो तापमान कम होगा। इधर नीचे भी यही हाल है, जब दक्षिण में हम ध्रुवों की ओर चलेंगे, दक्षिणी ध्रुव की ओर, तब भी तापमान कम होगा, और जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो तापमान बढ़ेगा। क्लियर हो गया होगा अक्षांश का मैटर। अब आपको चलिए अब हम देखते हैं ऊंचाई को। अक्षांश वाले विषय पे अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप जरूर बताइएगा, हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जब पढ़ेंगे समझेंगे तब आपको और क्लियर कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तुंगता नया शब्द है, ऊंचाई समझ लीजिए आप तो, हाइट। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, तापमान घट जाता है, और इसीलिए हिल स्टेशन पर ठंडी पड़ती है गर्मियों के टाइम पर, ये लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं, ये पृथ्वी की सतह हो गई, पृथ्वी की सतह पर ये भाई साहब बैठे हुए हैं। अब ये भैया पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ जाने लगे, और जब ये ऊंचाई की तरफ गए तो इनको वायुमंडल कैसा मिला? विरल मिला। वायुमंडल की सघनता कैसी हो गई? कम हो गई। और वायुमंडल जब सघन होना कम होगा, वायुमंडल की सघनता जब कम होगी, तापमान कम हो जाएगा, तापमान घट जाएगा। मतलब जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते जाते हैं तापमान कम हो जाता है, इसलिए ऊंचाई का भी महत्व होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मियों में भी सर्दी का एहसास होता है। क्यों होता है? क्योंकि वे ऊंचाई पे होते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप ऊंचे जाते जाओगे तो सबसे ऊपर पहुंचते जाओगे तो बर्फ जमी मिल जाएगी। एक निश्चित ऊंचाई तक ये स्थिति होती है, इसके बाद में फिर टेम्परेचर बढ़ता है, तो घटना बढ़ना इस तरह की चीज़ लगी रहती है। तो ये ऊंचाई का महत्व भी आपको समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर उठेंगे तापमान कम हो जाएगा, वायुमंडल विरल हो जाएगा। और यही वजह है कि जब हम पृथ्वी की सतह से पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हैं तो गर्मी के मौसम में भी ठंडी का एहसास होता है। अब हम बात करते हैं वायुदाब एवं पवन तंत्र की। तो किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। ये देखिए अक्षांश, अक्षांश पर वायुदाब कैसे निर्भर करता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि भूमध्य रेखा पर वायुदाब कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जहाँ पर थोड़ा ताप अधिक होगा तो वायुदाब कम हो जाएगा। अक्षांशों से जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वायुदाब बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से तापमान और वर्षा का वितरण प्रभावित होता है, ठीक है ना। चाहे वो टेम्परेचर नाप लो या पानी की स्थिति देख लो, अक्षांश पे और ऊंचाई पर डिपेंड करती है, और ये दोनों वायुदाब और पवन तंत्र को नियंत्रित करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं हम समुद्र से दूरी। समुद्र का भी जलवायु के ऊपर समकारी प्रभाव पड़ता है, इसको आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से। समुद्र का जलवायु के ऊपर इक्वल इफेक्ट पड़ता है, मतलब बराबर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, मतलब हम जैसे जैसे कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ आगे बढ़ते हैं, समुद्र का प्रभाव कम होने लगता है। भाई जब जहाँ समुद्र ही नहीं रहेगा तो वहाँ प्रभाव क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करने लगते हैं, और इसी को हम बोलते हैं महाद्वीपीय अवस्था। परीक्षा में आ सकता है भैया कि महाद्वीपीय अवस्था किसे कहते हैं? मतलब जिस क्षेत्र में समुद्र का प्रभाव खत्म हो जाए, मौसम विषम हो जाए, उसे हम महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। मतलब जब स्थलीय क्षेत्र गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंडी होने लगे, तो इस अवस्था को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, ठीक है ना।
महाद्वीपी अवस्था। चलिए अब हम आगे देखते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधारा बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तो वह तट गर्म या ठंडा हो जाता है। ये देखिए आप, ये समुद्र की धाराएं समुद्र से किस तरफ बहती हैं, तट की तरफ बहती हैं, इस तरफ बहती हैं। अब अगर ये तट की तरफ बहती हैं तब समुद्र के पानी का तापमान जैसा होगा वैसा ही असर यहाँ पर तट में होगा ना। जी हाँ, अब यदि समुद्र का पानी यहाँ ठंडा होगा और हवाएं भी इस तरफ चलेंगी तट की तरफ तो तट को ठंडा कर देंगी, और अगर समुद्र का पानी गर्म होगा तो ये तट को गर्म कर देंगी। तो इस तरह से महासागर की जो धाराएं हैं उनका ठंडा एवं गर्म होना भी तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं उच्चावच लक्षण। उच्चावच लक्षण मतलब ऊंचा नीचा कहाँ कैसा है। तो किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्चावच मतलब ऊंचे पर्वत या गहरे ट्रेंच, इनको हम उच्चावच लक्षण के रूप में परिभाषित कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऊंचे पर्वत ठंडी या गर्म वायु को अवरोधित करते हैं, रोकते हैं। देखिए ये उच्चावच लक्षण का नक्शा यहाँ पर दिया है और ये पहाड़ है, ये बड़ा पहाड़ है। तो यहाँ पर जो बारिश की हवा आ रही, पानी लेके जो हवा आ रही, वो कहाँ गिर गई, घाट चढ़ने के लिए शुरू हुई और टकराने के बाद वायु की जो नमी थी वो यहाँ पर गिरने लगी। यहाँ पर एडियाबेटिक ताप का ह्रास हो गया। ये एडियाबेटिक ताप क्या होता है हम आगे चल के इसको भी पढ़ेंगे। एडियाबेटिक ताप यहाँ पर ह्रास होने के कारण जो वायु अपने साथ नमी लेकर आ रही थी वो पहाड़ पर चढ़ते हुए वहीं पर गिरा जाती है। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं पनिहारिन भाई मटका लेकर पहाड़ की तरफ चढ़ने लगी, पत्थर सामने आ गया, ठोकर लगी, गिर पड़ी और पानी वहीं गिर गया धड़ाम से। अब लेकिन होता क्या है, दूसरे तरफ पहाड़ के दूसरे तरफ अब बादल ही नहीं आ पाए, पनिहारिन भाई तो यहीं गिर गई, तो दूसरा तरफ क्या रहेगा, सूखा रह जाएगा। या फिर थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा पनिहारिन भाई चल रही हैं एक साथ तो एकाद अगर धोखे से पहुंच भी गई तो थोड़ा बहुत बारिश हो जाएगी, लेकिन उतनी बारिश नहीं होगी जितनी इस क्षेत्र में होगी। तो इस क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं, पवन विमुख ढाल। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं, तो ये कहलाते हैं पवन विमुख ढाल और ये कहलाते हैं पवनामुख, पवन के मुख मतलब विंड वार्ड्स, और ये कहलाते हैं ली वार्ड्स, ठीक। तो उच्चावच लक्षण भी आपको समझ में आ गए होंगे। ए हो जाता है, देखिए जहाँ पर बारिश हो रही है, पहाड़ हो गया मान लो, ये बीच में पहाड़ है बड़ा, बारिश हुई तो यहाँ का मौसम खुशनुमा, यहाँ हरियाली और यहाँ सूखा पड़ा है, ठीक। तो इस प्रकार आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 कारक हैं और ये 6 कारक किस तरह से जलवायु को प्रभावित करते हैं। अक्षांश हो, ऊंचाई हो, वायुदाब या पवन तंत्र हो, महासागरीय धाराएं, समुद्र से दूरी, उच्चावच लक्षण, सब समझ लिया हमने। ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब इन 6 कारकों में से भारत में कौन कौन से कारक मौजूद हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, चलिए हम उसको और देख लेते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जैसा कि आपको शुरू से मालूम है कि कर्क रेखा कौन सी रेखा है, एक अक्षांश रेखा है, और कैसी अक्षांश रेखा है, जो भारत को दो बराबर भागों में काटती है। यह भारत देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कैसे गुजरती है हम देखते हैं, कर्क वृत्त देश के मध्य भाग में पश्चिम से, पश्चिम किस तरफ है, इस तरफ कहलाएगा ये पश्चिम, ये इधर हो जाएगा पूरब। तो मध्य भाग देश के मध्य भाग में पश्चिम में कच्छ के रण से गुजरात से शुरू होती है, आगे बढ़ना चालू कर देती है और विभिन्न राज्यों से होते हुए मिजोरम से देश से बाहर निकल जाती है। तो देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में होता है, ये कर्क वृत्त का क्या हो गया, दक्षिणी हिस्सा हो गया, और आधा भाग कर्क वृत्त के उत्तर में होता है, यानी ऊपर होता है, ये समझ में आ गया। अब जो भाग दक्षिण में है वो भाग कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और जो भाग उत्तर में है यानी ये नीचे वाला भाग, ये वाला भाग कहलाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और ये वाला भाग जो उत्तर में है ये कहलाएगा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसलिए भारत की जो जलवायु है उसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब आपको फिर से दो नए शब्द मिल गए,
एक उष्ण कटिबंधी और दूसरा उपोष्ण कटिबंधी। ये होते क्या है कटिबंध, चलिए हम थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअल में जो उष्ण कटिबंध उपोष्ण कटिबंध ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहलाते हैं ताप कटिबंध। कटिबंध दो तरह के होते हैं, ताप कटिबंध और वायु कटिबंध, वायुदाब पेटियां जिनको बोलते हैं। हम यहाँ पर ताप कटिबंध की बात कर रहे हैं। ये कटिबंध कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर आप लोग नक्शे में बहुत अच्छे समझ लीजिए। ये देखिए भारत की स्थिति विश्व में कहाँ पर है, ये जो बीच में से आपको दिख रही है ये हिंद महासागर जिस पर लिखा है डैश 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 ये वाली लाइन, ये है विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा जो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांट रही है, कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांट देती है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये पृथ्वी गोल है, समझ में आ गया आपको, पृथ्वी गोल है तो हमने ये गोल बना दिया। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि बीच में यह पृथ्वी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सा ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव, और सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव, वेरी गुड। अब ये जो 66.5 अंश उत्तर का भाग है ये कहलाएगा उत्तरी शीत कटिबंध, मतलब यहाँ पर ठंड पड़ रही है। इसके बाद ये नीचे वाला जो 66.5 अंश है ये कहलाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, अब ये उत्तरी ध्रुव का वृत्त कहलाया, ये दक्षिणी ध्रुव का वृत्त कहलाया, ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये आया कर्क रेखा और ये आ गई मकर रेखा। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, इसको हम उपोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। सेम यही स्थिति दक्षिण में भी होगी, बीच में से विषुवत रेखा या मकर रेखा गुजरती है जिसके दोनों तरफ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो कटिबंध कितने हो गए, एक उत्तरी शीत कटिबंध, दूसरा उत्तरी शीतोष्ण, तीसरा उष्ण कटिबंध उत्तर, चौथा उष्ण कटिबंध दक्षिण, फिर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण शीत कटिबंध। तो कितने होगा कुल गिनती में, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, हम 5 कह सकते हैं, 6 नहीं, कुल 5 कटिबंध होगा। चूंकि उष्ण कटिबंध एक ही साथ होता है ये पूरा, ये अलग अलग नहीं होता, यानी 5 ताप कटिबंध हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुल कितने तापी कटिबंध हो गए, 5 ताप कटिबंध हो गए। अब हमको क्या बोल रहा है कि भारत में कर्क रेखा के ऊपर यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है और यहाँ पर नीचे साइड कैसी है, नीचे तरफ है उष्ण कटिबंधीय। तो अब हम देखते हैं कि भारत का नक्शा ये रहे कर्क रेखा में, कर्क रेखा के आधे के नीचे उष्ण कटिबंध, आधे के ऊपर उपोष्ण कटिबंध, इसलिए ये चीज स्पष्ट होती है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और नीचे उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ओके। अब हम आगे देखते हैं, ये विषुवत वृत्त हो गया। चलिए तुंगता यानी ऊंचाई, हिमालय पर्वत कहां पर स्थित है, हमने स्थल आकृतियों में भौतिक स्वरूप में पढ़ा था कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये देखिए आपको हिमालय बन गया नक्शे में बढ़िया। हिमालय पर्वत की एवरेज हाइट औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, ये वाला तटीय क्षेत्र कहलाता है, ये भी बहुत बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कितना बड़ा नीला दिखाई दे रहा है ये। लेकिन तटीय क्षेत्रों में जो अधिकतम ऊंचाई है वो 30 मीटर है। अब तुलना कर लो, कहाँ 6000 मीटर है ना, 6 किलोमीटर, और कहाँ 30 मीटर हमारे एक दो मंजिल की बिल्डिंग के बराबर, और ये 6 किलोमीटर, इतना अंतर है। तो हिमालय क्या करता है, मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, ये ठंडी हवाएं आ रही हैं, इनको भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोक देता है। ये हाथ लगा के खड़ा हो जाता है, जो ट्रांस साइबेरियन की हवाएं, जो ऊपर की शीत ऋतु वाली जो ठंडी हवाएं ऊपर से आती हैं, अड़ के खड़ा हो जाता है और बोलता है नहीं ठंडी हवाओं, तुमको मैं भारत में प्रवेश करने ही नहीं दूंगा। और इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है। सोचिए हिमालय पर्वत को अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दें, यहाँ से हम गायब कर दें, तो ये ठंडी हवाएं यहाँ आएंगी और जहाँ पर आज इतना प्यारा उत्तर का मैदान है वहाँ पर कितनी ज़्यादा बर्फ जमेगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पूरा क्षेत्र बर्फीला हो जाएगा। तो ये कहलाती है ऊंचाई, तुंगता का असर, पर्वत जो है ठंडी और गर्म हवाओं को आने से रोक लेते हैं। हिमालय पर्वत भारत में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है, अड़ के खड़ा हो जाता है कि मेरी भारत माता को जबरदस्ती तुमको ठंडा नहीं करने दूंगा, और वह भारत को रोक लेता है और इस कारण से भारत में कम ठंड पड़ती है। क्लियर। तो इस प्रकार आप लोगों ने आज
भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारकों के बारे में समझा। वायुमंडलीय दाब और पवन तंत्र के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दिमाग के साथ में। तो उस चैप्टर को अभी तो मैं ये सोच रहा था कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन अब लग रहा है कि वायुदाब और पवन तंत्र, जिसमें कोरियालिस फोर्स, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, एल नीनो, ला नीनो, एनसो, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब को समझना पड़ेगा। इसलिए इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करके बनाऊंगा, जो अगला बनेगा वायुदाब और पवन तंत्र वाला। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों में ऊंचाई और अक्षांश को आप लोगों ने समझ लिया। क्या समझा अक्षांश में? अच्छा, कर्क रेखा अक्षांश रेखा है, भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा के कारण भारत के उत्तरी क्षेत्र की जलवायु उपोष्ण होना चाहिए, निचली उष्णकटिबंधीय होना चाहिए ना, लेकिन हिमालय पर्वत जो है वह मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को रोक लेता है, खड़ा हो जाता है अड़ के, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा ठंडी हवा तुमको, भारत माता को तुम्हें ठंडा नहीं करने दूंगा, वो अभी जैसी हैं अच्छी हैं। सोचो अगर हिमालय पर्वत को थोड़ी देर के लिए हटा दो, फिर जो साइबेरियन ठंडी हवाएं आएंगी वो गंगा जमुना के दोआब में बर्फ जमा देंगी, कितनी खराब हालत हो जाएगी। तो हिमालय पर्वत हमारी रक्षा करता है और इधर समुद्र हमारे भारत माता के पैर पखारता है, जलवायु को समान बनाए रखता है। मतलब भारत की स्थिति देखी जाए तो भौगोलिक रूप से विश्व में नक्शे में बहुत शानदार जगह पर है, हिमालय पर्वत बहुत अच्छा काम करता है, तो हिंद महासागर भी अपना काम बखूबी निभाता है। अब हम देखेंगे मानसूनी जल को मटका में लेकर चलने वाली पनिहारिन बाई क्या क्या गुल खिलाती हैं भारत आने पर। इनको हम वायुदाब और पवन तंत्र को पढ़ते हुए समझने की कोशिश करेंगे शुरुआती रूप से। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर लगता है कि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई पॉइंट रह गया है, तो उस पॉइंट के लिए हम एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे ना, वैसे भी शॉर्ट वीडियो बनाने का चलन तो चल ही रहा है। अच्छा, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग अपने अपना वीडियो चैनल तो बनाए होंगे डेफिनेटली ना, तो अपने अपने वीडियो चैनल में आप चाहें तो कुछ क्रिएटिव चीज़ें कोर्स से रिलेटेड बना सकते हो। यदि आपको भी इंटरेस्ट है YouTube चैनल के माध्यम से कुछ क्रिएटिव करने का, तो करिए, लेकिन ऐसा करिए कि जो सभी लोगों के काम आ सके। तो ठीक है, चलिए आप लोग अभी इस वीडियो को देखिए और मैं चलता हूँ अगले कंटेंट की तैयारी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।